emotional story now has a wonderful, wonderful ending from their point of view. आखिर कौन जीतेगा 2024 के आईपीएल की ट्रॉफी, हैदराबाद या केकेआर? क्योंकि आज का दिन हम सब इंडियंस के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज इंडिया के त्यौहार का लास्ट दिन यानी कि आईपीएल के फाइनल का दिन है, और फाइनल के अंदर बॉलीवुड के किंग, बॉलीवुड के बादशाह यानी कि एसआरके की टीम केकेआर है और उनके सामने हैदराबाद है। आप सभी को बताऊंगा दोनों भी टीम बड़ी गेम के हिसाब से टक्कर वाली टीम है, लेकिन ऐसे में आखिर इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, अभी लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ। और ये मैच शुरू होने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो सेव करके रख लेना, मैं आपको जो बता रहा हूं वैसे ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप सभी को बता दूं जो हैदराबाद वर्सेस केकेआर के बीच में जो मैच होने वाला है, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन से पहले बता देता हूं, केकेआर 100% जीतने वाली, ऐसा मैं फैन हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपको इसकी रियलिटी बताता हूं। सबसे पहले तो केकेआर के जो फैन है आप सभी को बताऊंगा हैदराबाद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, मतलब 70% सपोर्ट अभी लोग केकेआर को कर रहे हैं। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे कमेंट करके बता रहे ताकि लोगों को पता चले कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 70% सपोर्ट मिल रहा है केकेआर को, 30% सपोर्ट मिल रहा है हैदराबाद को। अब उसकी वजह यह है, अगर केकेआर के टक्कर में चेन्नई होती, एमएस धोनी की टीम या विराट कोहली की टीम होती तो फिर 50-50 होता, लेकिन एक तरफ केकेआर है और केकेआर के मालिक आप सभी को बताऊं कौन है, एसआरके। एसआरके की वजह से कई करोड़ लोग, जनता केकेआर को पसंद करते और केकेआर के लिए मैच देखते, मतलब एसआर के लिए मैच देखते, तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए मैदान पे भी केकेआर को जम के सपोर्ट मिलने वाला है। जहां मतलब मैदान के अंदर 70% केकेआर के फैन रहने वाले, वहीं 30% हैदराबाद के फैन रहने वाले, और यही सपोर्ट केकेआर को बहुत ज्यादा मतलब कहने के मैच जिताने में मदद करेगा। क्योंकि जब लोग चेयर अप करते हैं, जब लोग चिल्लाते हैं, जब लोग ताकत ताकत से मतलब चिल्ला के बोलते हैं केकेआर केकेआर, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिसकी वजह से कहने के प्लेयर अच्छा खेलते हैं और अच्छा खेलने के चक्कर में वो मैच भी जिता देते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप बात करें एक तरफ गेम के बारे में, गेम के बारे में टक्कर दे सकती है हैदराबाद या फिर केकेआर एक दूसरे की, तो आपको सबसे पहले बता दूं, आपको तो रिकॉर्ड पता ही होगा केकेआर किस तरह से कंटिन्यू जीतती रही अभी तक, मतलब 2024 के आईपीएल की नंबर वन टीम बनी रही अभी तक बनी हुई है। लेकिन ऐसे में अगर आप एक तरफ बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके जो कप्तान है उनका एक भयंकर हिस्ट्री है, भयंकर एक रिकॉर्ड है कि वो कभी बड़े बड़े मैच हारती नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें हारती नहीं है। उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने कई सारे बड़े बड़े सीरीज जिताया और वो फाइनल के आईपीएल में भी खड़े हुए, मतलब आप सही बता दूं इनका जो विनिंग रेट है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब अगर आप एक बात करेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं 25% के अंदर, 20% के अंदर हैदराबाद जीत भी सकती है बिना उनको कोई सपोर्ट मिले, क्योंकि जिसके कप्तान है उनका विनिंग रेट एकदम हाई लेवल का विनिंग रेट है, मतलब वो जो भी बड़े बड़े चीज़ खेलते हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे सीरीज़ हो, वो जीतते ही है। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करेंगे तो ऐसा होना थोड़ा बहुत नामुमकिन है। 25% में है अभी मेरे लिए हैदराबाद, आपके लिए कितने परसेंट में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने पोल भी किया था तो आपको पोल का भी रिजल्ट दिख रहा हूँ। जहाँ मैंने चैनल पोल किया था कि लोगों ने किसे सपोर्ट किया, मैंने इसके अंदर लिखा था कि आपको लगता है कौन जीत सकते हैं 2024 का आईपीएल, तो आपको दिख ही रहे हो लोगों ने किसे सपोर्ट किया और लोग किसे जिताना चाहते हैं, आपको इसके अंदर साफ साफ क्लियर दिख ही रहे हो, जिससे भी आप अंदाजा लगा लीजिए मैं आपको जो बोल रहा हूं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसके फैन है, क्या आप चाहते हैं हैदराबाद ही जिंदा, क्या आप चाहते हैं केकेआर जिंदा, तो कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो को सेव करके रख लेना, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन जीता, मतलब आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा कि हैदराबाद जीती या केकेआर जीती, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, धमाकेदार वीडियो आ जाए।